हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज का जो वीडियो है वो आपने कैप्शन देख के तो समझ ही लिया होगा कि गाड़ी के साथ क्या हुआ एंड ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि गाड़ी जो है मेरी गलती से ही हुआ था। जब मैं अपनी पार्किंग, जो मेरी पार्किंग है ना वो थोड़ी सी मतलब नैरो है, तो जब मैं वहाँ पे डाल रहा था कल शाम को तो राइट साइड का जो ड्राइवर साइड का जो हेडलैम्प है, हेडलैम्प और फॉग लैम्प के बीच में एक छोटा सा फेंडर वाला हिस्सा है जो बम्पर है, प्लास्टिक का है, ABS पार्ट है, जो वहाँ पे पिलर से थोड़ा सा गाड़ी जो है रब हो गई थी एंड स्क्रैच आ गया था। काफ़ी डीप था वो स्क्रैच। मैं आपको फ़ोटोज़ भी अटैच करूँगा इस वीडियो में। तो नई गाड़ी है, 2.5 मंथ्स की है, नई गाड़ी है या फिर जो भी है कार, एक कार ओनर ही समझ सकता है कि एक गाड़ी में अगर छोटा सा डेंट या फिर स्क्रैच अपने हाथ से लग जाए अपनी गलती से तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हट कर जाता है। तो ऐसा ही हुआ था। तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि क्या करूँ। एक गो मैकेनिक ऐप है, वहाँ पर मैंने ट्राई किया, सब कुछ किया मैंने, लेकिन कहीं से भी मुझे इकोनॉमिकल एंड बेस्ट प्राइस में कहीं भी एकदम छोटा सा ही था स्क्रैच। तो मैं पूरा बम्पर जो है खोल के पूरा रिपेंट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि एक तो अगर पेंट का अगर कुछ फ़र्क हो गया, क्योंकि मेरी गाड़ी भी डार्क रंग में स्टारी नाइट में जो कि अभी लॉन्च हुई है, तो थोड़ा सा मैं ये था डाउटफुल था कि वो रंग मैच हो पाएगा कि नहीं। लेकिन हाँ, फाइनली मैंने बहुत जगह फ़ोन किया एंड वहाँ फ़ोन करने से वो लोग ये एश्योर तो कर रहे थे लेकिन कोई गारंटी नहीं ले रहा था। तो फाइनली आज मैं सुबह जो है जाके एक जगह पे मेरे घर के पास, ये विद इन 4 किलोमीटर्स के आसपास है, एक प्लेस में जाके मैंने उनसे बात की कि ये हो गया। तो उन्होंने मुझे अच्छा दिया एडवाइस कि आप वहाँ जाइए एंड वो लोगों ने जहाँ पे मुझे दिया एडवाइस वहाँ मैं गया। वहाँ जाके जो पेंटर है वो बहुत साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे बात किया कि भाई ये क्या कर पाओगे। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि सर आप चाहो तो पूरा बम्पर भी पेंट कर सकते हो, उसकी कॉस्टिंग ये आएगी, उसने मुझे पहले ही बोल दी थी। दूसरा कहा कि मैं आपका सिर्फ ये पैच जो है, जो राइट साइड का हेडलाइट और फॉग लाइट का जो नीचे वाला हिस्सा है, वो मैं आपका पेंट करके दे दूंगा रबिंग करके, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जैसे कि आप लोग जानते हो मेरी गाड़ी में मैंने फ्रंट पार्किंग सेंसर भी फिट किया हुआ है, तो वो पार्किंग सेंसर का जो हिस्सा है वो भी थोड़ा सा रब हो गया। थोड़ा सा डाउटफुल था कि पेंटिंग से वो कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ काम ना करे, लेकिन अभी जो है मैं तो कह सकता मेरी गाड़ी जो है वैसे पूरी ठीक हो चुकी है बिल्कुल भी। अभी आप देख के बोल नहीं सकते वहाँ पे स्क्रैच था, क्या हुआ था, डेंट हुआ था, दाग हुआ था, जो भी हुआ था। तो वो सब चीज़ें अभी वो जो डिलीट हो गई है मेरी गाड़ी से एंड अभी जो है गाड़ी बिल्कुल नई जैसी है। तो आप लोग पहले देखिए कि गाड़ी पे क्या हुआ प्रोसेस एंड फिर आप लोगों से मैं बाद में शेयर करूँगा कि टोटल कॉस्टिंग क्या हुई एंड एड्रेस जो भी है वो मैं शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी देख सकते हैं कि गाड़ी का जो राइट साइड का बम्पर है, वो हेडलाइट और फॉग लाइट के नीचे का हिस्सा, वो मेरे पार्किंग का जो पिलर है वहाँ से बहुत ही गंदे तरीके से रब हो गया है। पार्किंग सेंसर का जो थोड़ा सा हिस्सा राइट वाला वो भी हल्का सा डैमेज हुआ है, थोड़ा सा रेड स्ट्रिप जो है निकला हुआ है। अब देखते हैं कि इस गाड़ी पर रिपेयर प्रोसेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि अभी जो पेंटर है वो मेरी गाड़ी पर एक रबिंग का प्रोसेस कर रहा है। रबिंग का प्रोसेस जो है थोड़ा सा पेनफुल होता है कार ओनर के लिए, बिकॉज़ नई गाड़ी पे या फिर अपनी गाड़ी पे कोई भी अगर स्क्रैच करता है तो वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है पेंटिंग से पहले, नहीं तो आपकी कार में एक जो इवन फिनिश है वो नहीं आ पाएगी एंड ग्लॉस भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पेंटर ने मेरी कार से पूरा जो पेंट है वो हिस्से का रब करके निकाल दिया, लेकिन उसने एक इवन प्लेन सरफेस उसने क्रिएट किया, इसके ऊपर वो एक बेस क्रिएट करेगा जिसके ऊपर 2 कोट प्राइमर और 2 कोट फिनिश कोटिंग होगी। तो जो फर्स्ट कोट का जो हिस्सा है वो मुझसे थोड़ा छूट गया है, बिकॉज़ मैं जो है गाड़ी के फिनिश कोट का जो कंप्यूटराइज प्रोसेस है वो देखने के लिए थोड़ा सा व्यस्त हो गया था एंड यही चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा जो है स्किप कर दिया। अभी आप लोग देख सकते हैं गाड़ी पे ग्रे का एक प्राइमर है जो कि गाड़ी का सेकंड कोट प्राइमर है, इसके ऊपर फिनिश कोट 2 कोट जो है की जाएगी, फिर उसके बाद ग्लॉस लाने के लिए एक लिकर स्प्रे किया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी पे फिनिश कोट की सेकंड कोट हो रही है एंड अल्टीमेटली गाड़ी जो है मेरी बिल्कुल नई जैसी अब दिख रही है। मेरे स्क्रैचेस सारे मिट गए हैं, कोई भी लाइंस आप देख नहीं सकते एंड पार्किंग सेंसर पे पेंट थोड़ा सा लग गया था लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं हुआ, गाड़ी जैसे के तैसे ओरिजिनल पेंट के साथ बिल्कुल ही मैच कर रही है। आई होप ये मैच रहेगा।
तो फाइनली हमारे गाड़ी का काम अभी हो चुका है कंप्लीट, एंड जो काम हुआ है वो बहुत ही रीजनेबल रेट में हुआ है, एंड जो शॉप की है एड्रेस वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये द्वारका सेक्टर 23 के बाद तोचनपुर के पास है, गुरु कृपा है शॉप का नाम, मैं लोकेशन डाल दूंगा। एंड यहाँ आके आप मिस्टर जयपाल से ज़रूर मिले, क्योंकि वो यहाँ के पेंट के बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो काम किया है वो एकदम शोरूम के लायक है। ये पेंट वर्क के लिए शोरूम ने मुझसे बहुत सारे पैसे मांगे थे, पूरा बम्पर पेंट करना खोलना पड़ेगा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस रबिंग की जैसे कि आप लोग वीडियो में देख चुके हैं। एंड रिकमेंडेड है कि आप अगर द्वारका साइड में रहते हैं या फिर आसपास में है तो यहाँ आके अपना डेंटिंग पेंटिंग का काम 100% करें। तो दोस्तों ये है जयपाल जी जो कि गुरु कृपा पेंट शॉप में काम करते हैं, यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं, आप इनसे आके ज़रूर एक बार मिले, आपके गाड़ी में कोई भी पेंटिंग रिलेटेड काम हो। जयपाल जी आप स्कूटी वूटी हर चीज़ में पेंटिंग का काम करते थे और स्कूटी नहीं करते हो, ठीक है, तो याद रखिए टू व्हीलर पे यहाँ पे काम नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ फोर व्हीलर्स पे काम होता है। तो जयपाल जी से आके आप यहाँ आके गाड़ी का जो पैच वर्क है या फिर पूरा पेंटिंग है वो आप जो है प्राइस यहाँ पे ले सकते हैं। एंड जयपाल जी का फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको स्क्रीन में यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा है। एंड इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मेरा फेसबुक आईडी एंड इंस्टाग्राम आईडी आप यहाँ पे दिख रहा होगा, जाके ज़रूर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो एक लाइक ज़रूर दबाइए। थैंक यू।